तो दोस्तों, मोटर पार्किंग के लिए जेब्रा क्रॉस का सिंबल कैसे बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हम ऊपर से किनारे किनारे दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं बराबर भागों में, फिर उसके बाद एक किनारे से बीचों बीच ऊपर से नीचे बीचों बीच निशान लगाने के बाद उस पर हम सूता पटकेंगे। ये हमारा सूता नहीं है, फिर से पटक लेते हैं। ये अब दिखने लगा। अब हम जो किनारों किनारों पे निशान लगा है ऊपर से नीचे तक, उस पर हम सूता पटकेंगे जिससे कि हमारा बराबर बराबर खाना बढ़ जाए। अब इस बीच वाले लाइन पे ऊपर से बीचों बीच इस लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे, बीचों बीच दोनों खानों के बीचों बीच इस लाइन पे ही निशान लगाने के बाद ये बीच वाला जो निशान लगा हुआ है उसके बाएं तरफ किनारे से बीच वाले निशान पे तिरछा सूता पटकेंगे और ठीक उसी तरह दाहिने तरफ भी ऊपर किनारे से ये बीच वाला जो निशान है उस पर हम सूता पटकेंगे। दोस्तों, पहले हम इस किनारे वाले पे सूता पटका हुआ है इस पर हम कलर करेंगे, पट्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद इस सामने जो है इसमें कलर करेंगे। ये हमारा तिरछा क्रॉस तैयार है। ये देखिए तिरछा क्रॉस है, ये हम कलर करते हैं। ये हम हमारा ब्लैक कलर है और ब्रश की सहायता से इस निशान पे सीधा सीधा लाइनिंग करेंगे और इसमें कलर भर देते हैं। ये हमारा पट्टी तैयार है और ठीक उसी तरह हम नीचे वाले पर भी लाइनिंग करने के बाद इसमें कलर भर देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मिस मत करिएगा। ये हमारा तय है, कलर भर दिए। अब हम ये क्रॉस वाले पे कलर भरेंगे। ये जो लाइनिंग है ठीक उसी के ऊपर सीधा हम लाइनिंग खींचेंगे। इस साइड से भी मिला करके हम खींच लेते हैं। हम थोड़ा कोना इसका मिला लें। अब हम इसमें कलर भर देंगे। ये हमारा ऊपर वाला क्रॉस पट्टी तैयार है। ठीक इसी तरह अब हम नीचे वाले में भी आउटलाइनिंग करेंगे। सूते इस लाइनिंग पे हम सीधा इस किनारे से भी सीधा हम आउटलाइनिंग करेंगे। ठीक ऐसे ही नीचे की तरफ भी हम लाइनिंग करेंगे, आउटलाइनिंग। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की ऑल बटन को क्लिक कर दें जिससे कि अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना जल्दी आपको मिले। इस चैनल पे हम पेंटिंग संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ये कलर हम भर देते हैं इसको। ये हमारा दूसरा क्रॉस भी तैयार हो गया है। अब हम ठीक इसी तरह नीचे भी इस लाइनिंग पे सीधा ब्रश की सहायता से आउटलाइनिंग करेंगे। ये हमारा सीधा हो जाए। अब ठीक उसी तरह इस साइड से भी किनारे से लाइनिंग पे सीधा ये ऐसे, अब नीचे भी उसी तरह मिला करके हम सीधा लाइनिंग खींचेंगे और ठीक उसी तरह इधर भी
अब इसमें कलर भर देते हैं, ये फूटा हुआ है थोड़ा। ये अब हम इस किनारे वाले नीचे वाले हिस्से को हम सीधा कर लें दोनों तरफ से। ये हमारा सीधा हो गया, इसमें कलर भर देते हैं, किनारे का भी थोड़ा मिला लें, सीधा हो जाए। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।